पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है, लेकिन एक भी पुलिस ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। राखी का कहना है, इन सब ने कोर्ट में जाकर केस क्यों नहीं किया, मीडिया में आकर क्यों बकवास कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को। जी, मीडिया के पास कौन से ऐसे सबूत हैं जो मीडिया के पास किए जाती हैं? कोर्ट के चेहरे जाओ, इल्ज़ाम लगाओ, गुनहगार ठहराया नहीं गया, इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अगर साजिद खान को गुनहगार ठहराया जाता तो सबसे पहले चप्पल मैं ही मारती साजिद खान को। ये सब कहना है राखी का। 4 किलो का मेकअप लगाकर नींद में ही चलकर केस दर्ज करवाने चली जाती हैं मैडम। हाय, कोई पुलिस स्टेशन में मेरा केस नहीं ले रहा। क्यों कोई केस ले, कोई सबूत नहीं, किस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोचो। ये मीडिया है, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। और फिर पुलिस को भी पता चला कि केस में कोई दम ही नहीं है। ये मैडम रोज़ उठ कर पहुँच जाती हैं कंप्लेन कराने में, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए और कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए। इसको क्या मसला है? अभी 6 महीने रुक जाओ, फिर किसी और के साथ में अपना केस जोड़ेगी और रेप का इल्ज़ाम लगा देगी। साजिद खान एक अच्छे एक्टर हैं और एक अच्छी बहन के भाई हैं। राखी ने कहा कि बहन जरा खुद को देखो तो सही कि तुमने क्या क्या पहनकर खुद को प्लेट में पेश किया है। लो खाओ मुझे, ये गलत बात है ना, पहले खुद को सुधार लो फिर दूसरों को सुधारना। राखी ने कहा कि ऐसी लड़कियों की वजह से ही जब किसी लड़की के साथ सच में कुछ ऐसा होगा, ना तो कोई यकीन करेगा और ना ही कोई केस लेगा। कितनी गलत बात है, साजिद खान तो कुछ भी नहीं, बहुत बहुत गलत काम करके लोग सरेआम फिर रहे होते हैं। साजिद खान पर अब नजरसानी इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक सुपरस्टार बन चुके हैं और बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। पहले ये सब कहाँ थी, पहले सोई हुई थी क्या? इनको हिम्मत पैदा करने के लिए पूरे 5 साल लग गए, क्या बात है। राखी की ये सारी हरकतें और बातें सुनकर आदिल का रिएक्शन तो चेक करें, वीडियो देखें। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है, लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में। राखी का कहना है कि मैं जुल्म के खिलाफ हर वक्त खड़ी हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ जियो और जीने दो। कोई इंसान स्टार बन रहा है, बॉलीवुड में काम कर रहा है तो करने दो इसको। आपका कैरियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया पर और मेरे प्यारे सलमान भाई का नाम ले रही हो। मैडम, अपने सड़े हुए मुंह से सलमान भाई का नाम भी मत लो, वरना मुंह तोड़ दूंगी और लीमू के पेड़ से लटका दूंगी उल्टा। और तुम लोग और वहाँ बैठी लीमू पानी पी पी के अपने अगले शिकार को फंसाने की तैयारी करते रहना। आप सबका इन सब के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रख जाता हूँ। फिर से वो कॉन्ट्रोवर्सी एक बार दोबारा से हो गई है, उनको नोटिस तक भेजा गया है। तो इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पे आप क्या कहेंगे? उनका पार्टिसिपेशन और जो आरोप उनके ऊपर लगे थे उसके बाद भी उनका जो पार्टिसिपेशन है, क्या बिग बॉस को एक कॉन्ट्रोवर्सी के तौर पे एक फाइव दिन के लिए नामित किया जा रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन गलत है? नहीं, मैं आपको बता देती हूँ कि अक्यूज किया गया है कि किसने किया है, तो उन्होंने कोर्ट में जाके केस क्यों नहीं किया, मीडिया में क्यों जा रहे हैं? मैं अगर मेरे साथ कुछ होता तो मैं कोर्ट में जाती हूँ, पुलिस स्टेशन जाती हूँ। आप मीडिया में बैठ के मीडिया बुला के मेरे साथ ये हुआ वो हुआ हुआ, मीडिया क्या कर लेगी? आप बताइए मीडिया के पास क्या प्रूफ है? अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप कोर्ट कचहरी जाइए और आरोप लगाए गए, अक्यूज़ किया गया, गुनहगार ठहराया नहीं गया। आप बताइए अगर साजिद खान को गुनहगार ठहराया जाता तो सबसे पहले चप्पल मैं ही मारूँ। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I...